अजमेर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के नामांकन से पहले 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित एक निजी समारोह स्थल में कांग्रेस की एक विशाल बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित अनेक वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर रामचंद्र चौधरी ने कहा कि वे हमेशा किसानों की सेवा करते आए हैं और हर जन्म में किसानों की ही सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया, इसके लिए वे सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। चौधरी ने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है और गरीब किसानों का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए जीतने के बाद गरीब किसानों के लिए भी विशेष कार्य करेंगे। उन्होंने अपनी पगड़ी हाथ में लेकर उपस्थित लोगों से लाज रखते हुए उन्हें चुनाव में जिताने की बात कही। फार्म हाउस होगा, मतलब मकान बना होगा, बैंक में मेरे 50,000 रुपए से, मेरी कोई साइकिल नहीं, तांगा नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, न कार नहीं, कोई वो किसी गाड़ी बोल रहे हो, बड़ी गाड़ी है ना, 40-50,000 की तो ये भी नहीं मेरे पास। मेरी कोई होटल नहीं, मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरी कोई माइंस नहीं है, और मेरी कोई भी चीज हो तो ये सब जनता की 8-8.5 बीघा गांव में जमीन है, और अजमेर का जो ये झोपड़ी बना रखी, मैं मास्टर था 85 में, तब बड़े चेयरमैन बन के तो बढ़ाता लोग मेरे पे एक आपका आशीर्वाद आज तक रहा, पिया खाबा को मारा तो आलोक को नहीं, पत्रकार बहिष्कृत बैठा है, तो ये तो कोई बाप नहीं ना छोड़े, तो खाद भी पार दे खातो है कि 350 करोड़ को प्लांट बनायो और बीमा खातो तो हमारी खाद भी हम भी पार दे। तो मैं आपके को चाहूँ कि पूरा प्लांट 350 करोड़ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में माना हुआ प्लांट है, आज आपके दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दुनिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रहती है, उसी के कारण अच्छा दे रहे हैं, और उसके कर्जे की 10 किस्तें थी आज चुका दी है, 2 बाकी 1 साल में चुक जाएंगे, फिर आपके भाव भी बढ़ेंगे, आपके जो है प्रोडक्ट की जो है कीमत भी बढ़ेगी और आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका आशीर्वाद रहेगा, अजमेर डेयरी में 6 वर्ष जिंदगी कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपको मैं कहता हूँ कि दूध को रंग कही है सफेद है, दूध दे वाली 36 ही कौन दे रहे, 36 ही कौम को दूध मिल सफेद ही, तो वैसे ही मेरे कपड़े भी मैंने सफेद ही पहन के रखे जिंदगी में, तो मैं किसान के जो आपको आप माई बाप समझा मैं दूध, और मुझे पता मैं खाता तो मैं भी 100-150 करोड़ बना ले तो 35 साल के खा, पर पता है कि मैं खाऊंगा मेरे किसान का गला कटेगा, ये मेरे कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, व्यापारी खाएंगे, ट्रक चलाने वाले खाएंगे, टैंकर चलाने वाले खाएंगे, जब मैं नहीं खाऊंगा तो सब के आप वहाँ पे खेड़ा केड़ी का छीकी लगा ना तो गोपाल छोड़ दे, हमारे सबके छीकी लगा रखी, वो नाराज है पर दिल से प्यार करते हैं कि इतनी बड़ी डेयरी बनी वो दिल से कर रहे हैं। दूसरा मेरा आपसे कि सूर्य की रोशनी सफेद है के इसमें साथ में ऐसे जो है सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं सबसे पहले सोनिया गांधी जी का, मैं जो है राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, प्रियंका जी का, और जो है आपके वेणुगोपाल जी का, सुरजेवाला जी का, और अरविंद माला साहब का, जितेंद्र सिंह जी का, और अशोक गहलोत जी का, पायलट साहब का, डुटासा साहब का, जूली साहब का, तंदावर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे खेत की मेहनत पे फिरता होके बड़े होने वाले किसान को क्या तुमने जो है इन लोगों ने मुझे एक्टिव टाइप समझे, मैं तो 7 जन्म में कल्पना नहीं कर रहा था कि मुझे मेरी जिंदगी में एमपी का टिकट मिले, अब ये आपके हाथ में है, आप चाहो तो मुझे पढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो रुला सकते हो, रुलाना भी आपके हाथ में है और मुझे बनाना भी आपके हाथ में है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगला जन्म भगवान मुझे दे तो गाँव का जिले का सबसे गरीब आदमी हो उसके घर में जन्म देना, कि मैं गरीब किसानों की फिर सेवा कर सकूं, गरीब किसानों की मैं आवाज उठा सकूं, उनके साथ संघर्ष कर सकूं। और दूसरा मेरा अनुरोध है कि बची हुई जो मेरी जिंदगी है, किसान भाइयों है तुम्हारे लिए एक गिरवे है, आज मैं गिरवे रख रहा हूँ आप लोगों को, गिरवे रख रहा हूँ मेरी बची हुई जिंदगी, तो मैं मरूंगा जब तक तुम्हारी सेवा करूँ, आपका सेवा करूंगा, जिस दिन अच्छा काम होता है मेरे से अच्छी नींद आती है, जिस दिन पेमेंट लेट होता है तो आपके व्हाट्सएप आते हैं तो मुझे 3 घंटा नींद कम आती है,
और मेरा क्या था, अब तो ये मेरी आत्मा है जो मैंने आपके गिरवर रख लिया किसान भाई। ये जरूर है क्या इस बार चुनाव में ना तो बीजेपी की तरह कट्टे बटेंगे दारू के, ना गाड़ी घोड़े मिलेंगे, ना शराब। चुनाव आपको लड़ना है गांव वाले किसान भाइयों से, शेर के साथियों से कहना, चारने खर्च करो खुद करो, गाड़ी की व्यवस्था खुद करो। आज पहली बार हमने मतलब क्या है राठौर साहब, एक नई परंपरा कायम की है, ये जो लोग यहाँ विराजमान है खुद की साइकिल से है, खुद की मोटरसाइकिल से है, खुद की गाड़ी थी चार पहिए की उससे है, ये खुद के साधन से है। वरना आप तो जानते हो कि मैं सोच लेता धाम लेता तो अगली मीटिंग सोनिया जी पासी अजमेर पर आ गई, 6 तारीख का तो जयपुर में है, सोनिया के लिए मन मिटने को लिखा। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773-26213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट ए ब्लॉक पंचशील अजमेर।